संत आदमी को के नाम पे गलत चित्रण प्रस्तुत वैलेंटाइन डे के रूप में किया जाता है। किसका कौन बच्चा है, कौन किसका पिता है, किस पता ही नहीं हो सकता था। अगर कोई यहाँ पर कुछ गलत कार्य करता है तो लठ पूजन दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। हिंदू महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारत हिंदू महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। वैलेंटाइन डे का मतलब समझाने के लिए हम लोग यहाँ पार्क में आए। वैलेंटाइन एक संत हुआ करते थे और उन्होंने शादी के गठबंधन जो होता है, जो हिंदू सनातन संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, उसका पैगाम देने के लिए उन्होंने उसको फॉलो करते हुए अपने देश के नौजवानों को ये कहा कि आप शादी कीजिए, क्योंकि पति पत्नी बगैर बने लिव इन रिलेशन में रहने वाले जो जोड़े हुआ करते थे, वो जोड़े किसका कौन बच्चा है, कौन किसका पिता है, किस पता ही नहीं हो सकता था। तो उसको लेकर के उन्होंने सनातन संस्कृति को अपनाने की बात कही, कई युवाओं ने शादी की वहाँ पर। तो रोम के राजा क्लोडियस जो थे, क्लोडियस ने उनको बुलाया, उनसे पूछा क्यों आप ऐसी संस्कृति को यहाँ परोस रहे हैं, लोग आज़ादी से यहाँ रह रहे हैं, जैसे चाहे जिसके साथ रहें। तो उन्होंने उसका सनातन संस्कृति के बारे में बताया, तो उससे वो नाराज हुए और उन्होंने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। तो एक संत आदमी को के नाम पे गलत चित्रण प्रस्तुत वैलेंटाइन डे के रूप में किया जाता है। हम लोग आज पार्क में आए प्रतिवर्ष की भांति, और यहाँ पर कोई भी जोड़ा अगर अश्लीलता फैलाता है तो उसको लेकर के हम सब यहाँ मौजूद हैं। हमारे भाई बंधु सब आए हुए और पुलिस को साथ लेकर के फोर्स के सामने अगर कोई यहाँ पर कुछ गलत कार्य करता है तो लठ पूजन दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। पुलिस की लाठियाँ भांज कर उनको ठीक किया जाएगा कि पार्कों में परिवारों को शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ इंजॉय करने दिया जाए, इस तरह की कोई गतिविधि ना करें जिससे समाज दूषित हो। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।